में आर्मी मेजर आर्मी कर्नल के साथ साथ जम्मू कश्मीर शहीद उनको हर तरफ म्युनिसिपल काउंसिल कुकरनाग के चेयरमैन की सरबर कैंडल लाइट निकाला गया है और इनके हाथ उनके फोटो करे मनप्रीत बात करे आशीष की बात एल जी मनोज सिन्हा ने डीएसपी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि वही तस्वीर के जरिए आपको कुकर की म्युनिसिपल काउंसिल कुकरनाग के चेयरमैन ने भी एक कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकाला है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। सियासी व अवामी हलकों की गम और गुस्सा नजर आ रहा है और गडोल में तसादुम आरई अभी भी जारी है। सर आपका नाम चलिए आपका नाम प्रिंस अहमद शेख बताए क्या आज आप कर रहे हैं। आज जो हमने यहाँ पर कैंडल मार्च किया है तो हमारे जो वीर जवान यहाँ पर शहीद हुए कल चाहे हम डीएसपी कुकरनाग की बात करें या आशीष जो मेजर आशीष है उसकी बात करें जो हमारे कमांडेंट 90 आरआर के कर्नल मनवीर सिंह उसकी याद में जो वो कल गडोल में इनकाउंटर हुआ वहाँ पर शहीद हुए तो उसकी याद में हम यहाँ पर आज कैंडल मार्च निकाल रहे जिसमें मेरे तमाम साथियों ने इसका साथ दिया। तो हम कंडम करते इस बात को कि किसी माँ का कोख जो खाली होता है तो ये हमने बहुत दर्द सहा। अब हमें ना हमारी माओं को हिम्मत रही है ना हमारी बहनों को हिम्मत रही है जो भी इसके पीछे है। मैं सीधा पाकिस्तान की बात करूं कि अब यहाँ पर आम कश्मीरी जाग गए अब हमें खून खराबा नहीं चाहिए। अब हम ये नहीं देखना चाहते कि चाहे वो आर्मी की माँ होगी या एक सिविलियन की या ये टेररिस्ट या मिलिटेंट की माँ होगी। अब पूरा कश्मीर का बच्चा जाग गया है। अब 30 साल से हम ये देख रहे हैं कितनी कि हमारी बहनें विधवा हो गई कितने बच्चे यतीम हो गए। अब बस क्योंकि ये जो डीएसपी साहब हमारे यहाँ कर्नल मनप्रीत की बात करें या हमारे जो आशीष थे यहाँ पर मेजर आशीष कि एक ऐसा कमांडर था ऐसा डीएसपी था जिसकी वजह से कोई मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई और एक मासूम बच्चे ये बिल्कुल हमारे बच्चे जैसा था डीएसपी। और हमने एक मैं समझता हूँ कि मैंने अपना बेटा खोया है। मैं बींग ए प्रेजिडेंट म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग का बात नहीं कर मैं कुकरनाग का हूँ क्योंकि ये हमारे साथ घुल मिल गया था। यहाँ चाहे कर्नल मनप्रीत की बात करें कश्मीरियों को अब ये बर्दाश्त नहीं है। जो भी ताकतें इसके पीछे उन ताकतों से हम अब खुद जवाब यहाँ के सिविलियन उसका जवाब देंगे प्रिंस ये उसका जवाब देगा। अब नहीं बहुत हो गया। आपको लगता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसको ये सब बंद करना चाहिए? बिल्कुल 100% क्यों नहीं कहूँ जबान बंद थी हमें नहीं। कल मुझे भी कोई गोली मारता प्रिंस से डोंट केयर मुझे क्योंकि हमारी बहनें विधवा हो रही है ये हर किसी जो न्यू जनरेशन है उसको समझना चाहिए इसका इससे फायदा क्या है। अगर मुझे कोई एक चाहे कोई स्कॉलर होगा मुझे फायदा बताइए 30 सालों में क्या हमें मिला। कब्रिस्तान की सेवा यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारी बहनें विधवा हो रही है हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं। अगर ये गंदी सियासत जो है चाहे मैं किसी भी देश की बात करूं कश्मीरी को अब बर्दाश्त नहीं है क्योंकि किसी भी बिग पॉलिटिशियन का बेटा यहाँ पर शहीद नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक गरीब का बच्चा शहीद हो रहा है। यहाँ मतलब आप बच्चों के खातिर देश के खातिर आप फील्ड में आते हैं अपने देश को बचाने के लिए हमें बचाने के लिए। आप चाहे मैं हरियाणा की बात करूँ चाहे मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बात करूँ अब बर्दाश्त से बाहर है। हम उन ताकतों को यहाँ से बोलना चाहते हैं मैं एक आम कश्मीरी हूँ मैं कोई बिग पॉलिटिशियन नहीं हूँ ना इसमें कोई सियासत है मैं एक आम नागरिक कश्मीर का बाशिंदा
मैं उन ताकतों को यहाँ से बोलना चाहता हूँ, अब बस बहुत हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। चेयरमैन जो है म्यूनिसिपल काउंसिल कुकरनाग के, इन्होंने कहा कि अब बहुत खून बह चुका है, मजीद अफरा तफरी का माहौल नहीं देखना चाहते हैं, अब ये बंद होना चाहे। इन्होंने पड़ोसी मुल्क पे भी निशाना साधा है और वाज़ह तस्वीरों के साथ आपको दिखाना चाहेंगे। शाम गए अंधेरे में इन्होंने जो है यहाँ पे कैंडल लाइट का, हाथों में जो है मन हुमायूं भट्ट और मेजर आशीष की तस्वीरें लेकर ये उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल के बाहर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन शेख प्रिंस की सरबरा पे नौजवान भी मौजूद है और इन जो है जो कल एनकाउंटर में शहीद है उन्हें हम शेख मोहम्मद नजर आ रहे। अब हल्कों की बात करें तो आ गई गडूल एनकाउंटर के बाद पूरे तरीके से मायूसी छा गई। अब लड़ाई जारी है, चाहेंगे कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। परवीना जी आप बताएं क्या कहना चाहोगे इस तसादुम आरा के हवाले। देखिए मैं क्या कहना चाहूंगी इस वक्त, मुझे लग रहा है पूरी ब्रैंक कुकरनाग में आग लगी हुई है। क्योंकि इतने अच्छे अफसर है यहाँ के, इतना अच्छा हमारे यहाँ के कुकरनाग के DSP साहब या हमारे यहाँ के मेजर साहब या कर्नल साहब, कितने अच्छे इंसान थे जो इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे। हमें कल से खाना तक नहीं खाया, हमें इतना रोया है कि इतने अच्छे अफसर हमारे से बिछड़ गए। पूरे कुकरनाग में इस वक्त आग जल रही है और आग लगी हुई है, हम क्या बताएं आपको, हमें रोना आ रहा है, हम आपके आगे कुछ नहीं बोल सकते है। ठीक है, तो किस नजर से इस दिन को आप देख रहे हो, क्या किस तरीके से मना रहे हो? देखिए ये दिन हम, आप देख रही हो ना किस तरीके से मना रहे है, हम अंधेरे में बैठे हुए है इस वक्त, हम अंधेरे में बैठेंगे लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा। हमें इनकी बीवी है, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, इस वक्त इनकी फैमिली है, इनकी माँ, इनके जो वालिद साहब होंगे, इनके बच्चे होंगे, इनकी बीवियां होंगी, वो उनकी हालत क्या होगी। उनके घरों में इस वक्त आग जल रही है, तो वैसे करके हमारे कुकरनाग में भी आग जल रही है। आपने आज ब्लैक डे मनाया और हड़ताल की कॉल दी, इस हवाले से बताए। देखिए ब्लैक डे क्यों ना मनाए हम, ये तो हमारे अपने लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, लेकिन हम सब एक है, हमारा ब्लड भी एक है, हमारा खून एक है, क्यों ना हम अंधेरे में रहे, क्यों ना हम अपना ये ब्लैक डे मनाए। मैं कहती हूँ कि एक महीने तक यहाँ हड़ताल रहना चाहिए, क्योंकि हम हमारे इस वक्त नौजवान शहीद हुए, कितने घर इस वक्त उजड़ गए, कितने माएं इस वक्त अपने बेटे बिछड़ गए, किन माओं से, किन बीवियों से पति बिछड़ गए, किन बच्चों से अपने माँ बाप बिछड़ गए, क्यों ना हम अंधेरे में रहे। शुक्रिया। नाजरीन ये आपने देखा जज्बाती तरीके से महिलाएं भी यहाँ